नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडेज पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में बंद होगी आयुष्मान भारत योजना, राज्य सरकार ला रही है नई स्कीम। कांग्रेस की घोषणा बन सकता है मुसीबत का सबब, सीएम बघेल ने की अपील। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के मंदिर से हो रहा है शराब का कारोबार, आबकारी विभाग ने खोला दफ्तर। रायपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 2 महिला सहित 3 गिरफ्तार। 5 किलोमीटर पथरीले रास्ते को पार कर पहाड़ी पर बसे आदिवासियों के बीच पहुंची कलेक्टर रानू साहू। छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में जीता गोल्ड, सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई, कहा हमें आप पर गर्व है। सरोज पांडे का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है, 6 महीने बाद समझ आएगी अपनी नीति। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रोज हर घंटे दर्ज हो रहा अपराध, ऑफरों का लालच देकर वादा खिलाफी में रायपुर के बिल्डर आगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की निगरानी में होगा बिलासपुर रायपुर 4 लेन का निर्माण। चिटफंड कंपनियों के एजेंटों पर दर्ज मामले वापस होंगे, बघेल। छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद सरकार ने नौकरी पर लगा दी रोक। रायपुर के कृष्णानगर में पीलिया से एक व्यक्ति की मौत। छत्तीसगढ़ में नक्सल मामलों पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। शराब मंदिर पर बोले सीएम बघेल, जल्दबाजी की तो घर पहुंच सेवा हो जाएगी शुरू, शराबबंदी पर फैसला जल्द। छत्तीसगढ़ में संपत्ति कर बिजली बिल आधा करेंगे, अभी अदा करना बंद नहीं करें, भूपेश ने कहा। अब चुनाव अधिकारियों को ट्रैक करेगा ऐप, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने किया तैयार। चिटफंड अभिकर्ता को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी राहत, वापस लिए जाएंगे FIR। रायपुर का गांधी उद्यान रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से हुआ गुलजार। सत्ता पलटने के बाद पहली बार हुई पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात। आज तक की खबरें बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।